किसान भाइयों, जैसा कि आप देख रहे हैं इस समय जो है हमारे खेतों में जंगली जानवर का बहुत ज्यादा जो है प्रभाव पड़ रहा है, बहुत ज्यादा नुकसान फसलों को कर रहे हैं। और बहुत ज्यादा किसान भाई सिस्टमेटिक ढंग से खेती करते हैं, टेक्निकल खेती करते हैं, तो उन किसान भाइयों को बांस और बल्ली अपने खेत में गाड़ने की जरूरत ज्यादा पड़ती है। किसान भाइयों, आज ऐसी ही जानकारी आपके बीच में हम लेके आए हैं। मेरा नाम है पंकज तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल पंकज किसान वार्ता। किसान भाइयों, पहले क्या था कि पहले जो है इतना ज्यादा बांस और बल्ली गाड़ने की खेतों में जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि जो खेती थी वो भी इतनी टेक्निकल नहीं थी और इतने ज्यादा जो है जानवर भी, छुट्टे जानवर भी नहीं थे। किसान भाइयों, उस समय एक दो खूंटा गाड़ना होता था जानवरों के लिए, एक दो बल्ली बांस गाड़ने होते थे, तो उसके लिए हम सब्बल का प्रयोग करते थे या जो है किसी भी कुदाल फावड़े से भी खोद के काम चला लेते थे। लेकिन जब हमें ज्यादा मात्रा में बांस बल्ली गाड़ना है, जब हमें 400, 500, 200 की संख्या में बांस बल्ली गाड़ना है, तो उसके लिए फिर हमें टेक्निकल माइंड का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ऐसा प्रयोग करेंगे कि कम पैसे में ज्यादा काम हम कर पाए, कम मेहनत में ज्यादा काम हम कर पाए और कम समय में हम ज्यादा काम कर पाए। किसान भाइयों, आज ऐसे ही यंत्र के साथ हम आपके पास हाजिर हैं। जैसा कि आप इसे देख पा रहे होंगे, इसकी बनावट को, इसको अभी हम गड्ढा की खुदाई करके भी आपको दिखाने वाले हैं कि ये किस प्रकार से गड्ढे की खुदाई करता है। पहले आप इसके बारे में एक बार जान लीजिए। किसान भाइयों, इस पाइप से और इस पाइप की जो दूरी है ये आप देख सकते हैं 2.5 फीट है, और यहाँ से और यहाँ की दूरी जो है 1 फीट है, और इसमें दो पत्ती लगी है मुड़ी हुई। इसको लोहार जो है आसानी से, ये वीडियो आप दिखाएंगे फिर भी लोहार इसको आसानी से अपने कारखाने में बना सकता है। अगर आप इसको खरीदना चाहें किसान भाइयों, तो ये 200 से 300 रुपए में आपके मार्केट में उपलब्ध भी हो जाता है। थोड़ा अगर नहीं मिलता है तो आप एक दो दुकान को देखेंगे तो आपको हार्डवेयर की दुकान पे ये चीज मिल जाएगी। और किसान भाइयों, इसका इस्तेमाल मैं पिछले 3 महीने से कर रहा हूँ और हमने लगभग 200 से 300 बल्ली गाड़ने का काम किया है, हमें बहुत आसान लगा है। अभी इसका प्रयोग हम हार्ड जमीन पे करके देखने वाले हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस समय ये हमारे ट्यूबवेल का घर है और ये जो है छाया हुआ है, और सारा बोलते हैं हमारे यहाँ, आपके यहाँ क्या बोलते हैं आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये जो जमीन है ये लगभग 15-20 साल की ट्यूबवेल है, तो जमीन जो है वो भी बहुत पथरीली हो गई है क्योंकि इसकी जुताई गुड़ाई कभी नहीं हुई है। तो ये घर की ही आप जमीन मानिए, और इसी की खुदाई करने पे आप देख रहे हैं कि कितना बढ़िया से खुदाई कर रहा है। इसमें ज्यादा आपको बल नहीं देना है, इसको बस आराम आराम से आप घुमाते जाइए और धीरे धीरे करके ये 2 से 3 मिनट में एक गड्ढा आराम से कर देगा, और आप दिन भर में 100, 200, 300 गड्ढे तक आप इससे कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये जो यंत्र है इसको आप देख रहे हैं कितना सुंदर यंत्र है, कितना बढ़िया यंत्र है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि आप इसको बनवाना चाहते हैं तो ये आप वीडियो किसी भी लोहार को दिखा के आप इसको बनवा सकते हैं। किसान भाइयों, ऐसी ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दिया करिए, जिससे कि जो आपको जानकारी चाहिए हमें पता चल जाए और हम वैसी ही वीडियो आपको दें। सभी किसान भाइयों को पंकज तिवारी का नमस्कार।